कुछ नहीं है, जितना मनोहर सर बोलेगा उतना करो। करेंगे सब सब, वो वीडियो देख लो समझ में आ जाएगी। नहीं आई थी, चलो नहीं आई थी। तो भाई छूट गया रहेगा, फिर छूट ही जाएगा फिर। तो सेक्शन 16, 17, 18 इसके लिए, बट सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको इसके पहले आपने क्या देखा था, ट्रांजेक्शन वैल्यू और जीएसटी किसके ऊपर लगता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर किसके ऊपर लगता है, उसमें क्या कुछ ऐड करने का है क्या नहीं करने का, आपने लास्ट टाइम आपने देखे थे बरर। हाँ, तो उतना ही क्वेश्चन करके आने का एग्जाम में, उसी में कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में वहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा, 10 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो बेटा यहाँ पे इनपुट का मतलब क्या है, तो बेटा इनपुट का मतलब है अगर आप कोई परचेस करोगे, क्या करोगे, परचेस। और ईमानदारी से बताना, अगर आप कोई परचेस करते हो तो बेटा उसके साथ अमाउंट के साथ आप क्या पे करते हो, टैक्स भी पे करते हो, यस और नो। बेटा परचेस करने पर आप क्या पे करते हो, तो परचेस करने पर आप क्या पे करते हो, टैक्स पे करते हो। उस टैक्स जो आपने पे किया है उसका आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, क्या मिलेगा, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट। उसी बेनिफिट को बोला जाता है यहाँ पे ITC। तो ITC का मतलब क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। आपने जो भी परचेस किया है, जो भी आपने क्या किया है, परचेस, ठीक है, उसके ऊपर जो भी आपने टैक्स पे किया उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा। फ़ायदे का मतलब क्या मिलेगा, आपको ITC मिलेगा, क्या मिलने वाला है आपको, ITC, ठीक है। उसके ऊपर आपको क्या मिल जाता है, क्रेडिट, क्या मिल जाता है, क्रेडिट। ये जो भी बेनिफिट आपको मिलेगा इसका आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। और उसी क्रेडिट को अपन क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो भी आपका आउटवर्ड टैक्स आएगा उसमें से क्या माइनस कर देने का, इनपुट टैक्स। आउटवर्ड टैक्स में से माइनस क्या कर देने का, इनपुट टैक्स। तो आपको क्या मिल जाएगा, GST पेबल, क्या मिल जाएगा, GST, क्योंकि गवर्नमेंट को आपको GST कितना पे करना है। बात आ रही समझ में, तो जो भी आप परचेस करते हो उसके ऊपर जो भी आप टैक्स पे करते हो उसके ऊपर आपको क्या मिलता है, क्रेडिट, क्या मिलता है, और इसी को क्या बोला जाता है, ITC, क्या बोला जाता है, ITC। इज इट क्लियर। तो मैं क्या परचेस करता कर सकता हूँ, व्हाट डू मीन बाई इनपुट। तो बेटा इनपुट दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो आप कैपिटल गुड्स खरीदोगे, ठीक है, या तो आप चलो पहले लिख ही लो चंद। बेटा सप्लाई किसका होता है, तो बेटा यहाँ पर सप्लाई किसका होता है, या तो गुड्स, या तो किसका सप्लाई वो करेगा तुम, सर्विसेज। और गुड्स बेटा दो टाइप के होते हैं, जरा लिख लेना, एक होता है कैपिटल गुड्स, एक क्या होता है, कैपिटल गुड्स, और दूसरा होता है इनपुट, क्या होता है, इनपुट। एक होता है कैपिटल गुड्स, एक क्या होता है, इनपुट। तो सप्लाई किस चीज का करोगे, तो बेटा सप्लाई दो चीज़ का करेंगे, या तो गुड्स का या तो सर्विसेज का। और गुड्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैपिटल गुड्स, दूसरा क्या होता है, इनपुट। कैपिटल गुड्स, अब व्हाट डू मीन बाय कैपिटल गुड्स, ये अपने को सीखना है। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल गुड्स, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल गुड्स। तो बड़ा सिंपल एकदम मीनिंग है, लिख लेना इसका। इट मीन्स बेटा कैपिटल गुड्स क्या है, इट मीन्स अ गुड्स। वैल्यू वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है बेटा बैलेंस शीट,
वो गुड जिसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी है, कैपिटलाइज कर दी है, जिसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी है, कैपिटलाइज कर दी है राइट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स बोलेंगे। इट मीन्स गुड्स वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे आपने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी आप कहाँ दिखाओगे, पीएनएल में दिखाओगे कि बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाओगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड। ये क्या है मेरे लिए, कैपिटल गुड्स है जिसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी है, कैपिटलाइज कर दी, जिसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी है, कैपिटलाइज। हाँ समझ में आ रही है। और उसके आप उसके ऊपर आप क्या चार्ज कर रहे हो, फिर डेप्रिसिएशन क्या चार्ज कर दे हो। तो ऐसी ऐसा गुड जिसको मैंने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटलाइज बोलेगा तो कहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया मैंने, बैलेंस शीट के एसेट साइड। ऐसे गुड्स को कौन सा गुड्स बोलेंगे हम लोग, कैपिटल गुड्स बोलेंगे। इज इट क्लियर, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स, इट मींस गुड्स, इट मींस गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इज इट क्लियर सर। सो व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट, बेटा कैपिटल गुड्स को छोड़ के बाकी जो सब है वो क्या है, इनपुट है, वो सब क्या है, इट मींस गुड्स, इट मींस गुड्स, इट मींस गुड्स other than capital goods, other than capital goods, जो capital goods नहीं है वो कौन है, क्या है बेटा फिर, वो राइट इनपुट है। जैसे आप रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो तो रॉ मटेरियल अपने लिए क्या है, इनपुट है, ठीक है, इनपुट है, जिसको मैंने कैपिटलाइज नहीं किया मतलब वो सब मेरे लिए क्या बन जाएगा, इनपुट। इज इट क्लियर, इट मीन्स गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। एंड वॉट डू मीन बाई सर्विसेज, बेटा यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, बेटा इनपुट सर्विस की बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस मींस क्या, इसका मतलब बेटा इट मींस, इट मींस सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज मींस, इट मींस सर्विसेज, कोई भी प्रकार की आप सर्विसेज दो। अब ये तीनों में एक चीज कॉमन है तो ऐसा एरो करके ऐसे कर देना, तीनों में एक चीज कॉमन है, ठीक है, किस में, कैपिटल गुड्स में भी, इनपुट में भी और इनपुट सर्विसेज में भी। तो इट मींस सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या है, विच इज यूज्ड। ये सब सारी चीजें कहाँ पे यूज होनी चाहिए, विच इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, intended to be used in the course or furtherance of business। मतलब मैं जो भी परचेस कर रहा हूँ वो सब मैं किधर किसके लिए कहाँ पे यूज़ करूँगा, अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करूँगा, किसके लिए, जैसे मैंने टीवी खरीदा किस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, तो ही यहाँ पे उसको तो ही उसको इनपुट माना जाएगा। बात समझ में आ रही है। बट अगर मैंने टीवी खरीद लिया घर के पर्पज़ के लिए तो उसके ऊपर जो भी ITC रहेगा तो बेटा जो भी मैंने टैक्स पे किया रहेगा उसका मुझे ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने ये AC खरीदा किसके लिए, घर के लिए, तो बेटा घर के लिए खरीदेगा तो बेटा क्या आपको ITC मिलेगा, तो आपको ITC नहीं मिलेगा। बट ये अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ बिजनेस पर्पज़ के लिए तो मुझे क्या मिलेगा, ITC मिलेगा। इज इट क्लियर। तो पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो तो बेटा उसके लिए आपको ITC नहीं मिलता। ITC किसके लिए मिलेगा, विच इज़ यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, विच इज़ यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। तो अगर आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय कैपिटल गुड्स, तो आप बताने का कैपिटल गुड्स मीन्स अ गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज़ कैपिटलाइज राइट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड विच इज़ यूज्ड और intended to be used right in the course or the furtherance of the business। अगर आपसे पूछे what do you mean by input, तो आप बताने का input means goods other than capital goods which is used or intended to be used right in the course or the furtherance of the business। अगर आपसे पूछे what do you mean by input services, तो आप बताने का input services means services which is used or intended to be used in the course or the furtherance of the business। बिजनेस पर्पज़ के लिए मैं को क्या करना चाहिए, यूज़ करेगा तभी जाके गवर्नमेंट आपको क्या देगा, ITC देगा। इज इट क्लियर, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इज इट क्लियर गाइस।
बेटा सप्लायर किसको गुड्स बेचेगा, बोलो किसको गुड्स बेचेगा, रेसिपिएंट को। लो एक एग्जांपल केस स्टडी लेते हैं, जहाँ पे आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई मान के चलिए आपने गुड्स खरीदा 10,000 का, कितने का 10,000, तो बेटा उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, जीएसटी चार्ज होगा, यस और नो, जीएसटी जरा ऐड कर देना। चलो मान के चलो जीएसटी है 12%, कितना है 12%, तो आप टैक्स कितना पे करोगे, कितना पे करोगे, तो बेटा 10,000 पे कितना, तो 12% कितना हो जाएगा 1200। मैं टैक्स इनवॉइस कितने का दूंगा, टैक्स इनवॉइस कितने का देंगे बेटा हम लोग, 11,200, ठीक है 11,200। इस केस में आपने परचेस किया ना, रेसिपिएंट ने परचेस किया, तो आप मुझे बताइए बेटा इसको कितना इसने टैक्स पे किया है। सपोज मैं सप्लायर हूँ, है ना, मनोहर सर क्या है सप्लायर, आप क्या हो रेसिपिएंट, तो बेटा आपने गुड्स में से खरीदा, 10,000 भी दिया मुझे, प्लस मेरे को कितना दिया 1200, ठीक है, तो आपको ITC कितना मिलेगा, तो बेटा कितना टैक्स पे किया आपने परचेस करते वक्त, परचेस करते हुए कितना टैक्स पे किया है 1200, तो बेटा 1200 का आपको क्या मिलेगा, ITC मिलेगा। और आप क्या करते हो बेटा, यही सेम चीज राइट, आपका परचेसिंग कॉस्ट कितना बेटा, परचेसिंग कॉस्ट बेटा, परचेसिंग प्राइस आपके लिए क्या है, तो बेटा परचेसिंग प्राइस क्या आपके लिए 10,000, 11,200 नहीं है, कितना है आपके लिए 10,000, क्योंकि 1200 रुपये का तो मुझे बाद में क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा ना, तो आपके लिए परचेसिंग को प्राइस क्या रहेगा 10,000 रहेगा, कितना रहेगा 10,000, ये तो रिफंड होने वाला है ना गवर्नमेंट से, तो ये तो आपको है ना, ये तो वापस गवर्नमेंट से रिफंड हो जाएगा ना आपको, तो आपके लिए परचेसिंग प्राइस क्या रहेगा 10,000। अभी 10,000 में बेटा 10,000 का लेके क्या मार्केट में तुम 10,000 का बेच देगा, नहीं बेचेगा ना, तो मान के चलिए आपने इधर वैल्यू ऐड करिए, चलो एडिशन आपने किया बेटा कितना, चलो कितना एडिशन किया है, चलो मान के चलते कितना एडिशन किया है 5,000 रुपये का, कितने का 5,000 बेटा, आप सामने वाले को कितने में बेचोगे फिर 15,000 में बेचोगे, कितने में बेचोगे, तो आपके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 15,000, यस और नो, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा ना ये। और मैं फिर से कितना GST चार्ज करूँगा बेटा, आप कितना GST चार्ज करोगे एट द रेट ऑफ 12%, जरा बेटा 15,000 का 12% निकालना कितना होता है 1800। बेटा मैं सामने वाले से कितना लूंगा, रेसिपिएंट से कितना लूंगा, पहले आप रेसिपिएंट थे, अभी आप क्या बन गए सप्लायर बन गए, तो 16,800 लोगे, यस और नो। बट क्या गवर्नमेंट को ये बेटा, ये आपका क्या है टैक्स इनवॉइस है, क्या ये आपका टैक्स इनवॉइस, बट जब GST पे करने की बारी आएगी तो बताओ क्या कितना गवर्नमेंट को आप GST पे करोगे, आप ईमानदारी से बताना कितना पे करोगे, बोले बेटा कितना पे करोगे, क्या गवर्नमेंट को आप 1800 रुपया दोगे, 1800 रुपया दोगे आप, ठीक है, आंसर इज नो बेटा, क्योंकि आपने 10,000 रुपये ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो, यस और नो, परचेस करते वक्त भी तो आपने टैक्स पे किया है ना यहाँ पे, कितना पे किया था 1200 को, आपको क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ पे, आपको फ़ायदा मिल जाएगा, यस और नो, वही सिखाया था ना मैंने आपको ऊपर, कि जो भी आप परचेस कर रहे हो बेटा उसका आपको क्या मिल जाएगा फ़ायदा, उसका आपको क्या मिल जाएगा क्रेडिट, उतना टैक्स लाइबिलिटी आपका क्या हो जाएगा कम, तो बेटा आप गवर्नमेंट को 1800 नहीं पे करोगे, आप गवर्नमेंट को 1800 नहीं पे कर रहे, क्यों, क्योंकि सर 10,000 के ऊपर तो मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूँ, देख चुके हो ना आप लोग कितना टैक्स आप पे कर चुके गवर्नमेंट को 1200 ना, 1200 क्या हो जाएगा बेटा माइनस बचेगा कितना 600, तो 600 रुपया गवर्नमेंट को आप पे करोगे, ये जो 1200 आपने माइनस किया ना उसको ही बोला जाता है ITC, क्या बोला जाता है ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, बात समझ में आ रही है, मतलब परचेस करते वक्त आप जो भी टैक्स पे करोगे उसका आपको क्या मिलेगा फायदा,
फायदा मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा आपको, क्रेडिट मिल जाएगा, उतना टैक्स लाइबिलिटी आपका क्या हो जाएगा कम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो गवर्नमेंट के खाते में सिर्फ आप कितना पैसा जमा करोगे, सिर्फ 600, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा मैंने कितनी वैल्यू ऐड करी है, 5,000 ऐड करी है, 10,000 में कितनी वैल्यू ऐड करी है, 5। 10,000 पे तो ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूँ, 10,000 पे तो ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूँ ना, तो बचा कितना बेटा, 5,000। 5,000 पे जरा निकालो जरा 12% कितना होता है, 600 रुपये होता ना, देखो 600 रुपये आएगा। तो GST और कुछ नहीं है, इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स, इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जो पहले लगता था उसी का कुछ एडवांस वर्जन है ये, और कुछ नहीं है। परचेस करने पर मैं जो भी टैक्स पे करूंगा उसका मुझे क्या मिल जाएगा, बेनिफिट, उसका मुझे क्या मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाएगा, उसी को क्या बोला जाता है, ITC, ठीक है। तो जो भी आप परचेस करोगे उसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, फायदा, ठीक है। इज इट क्लियर बेटा? गुड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैपिटल गुड्स, एक होता है बेटा इनपुट, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल गुड्स? द कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जिसको मैंने कहाँ पे लिख दिया, बैलेंस शीट में लिख दिया, वो क्या मेरे लिए कैपिटल गुड्स, विच इज़ यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। सो और व्हाट डू मीन बाय इनपुट? तो बेटा अदर देन कैपिटल गुड्स, अदर देन उसको क्या बोलेंगे, इनपुट बोलते हैं, विच इज़ यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। सो व्हाट डू मीन बाय सर्विसेज? सर्विसेज मीन्स एनी सर्विसेज विच इज़ यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। तो अगर शॉर्ट नोट आ गया तो इस तरह से आपको लिख देना। इज इट क्लियर? जो भी आप इनपुट पे करोगे, जो भी आप परचेस करोगे बेटा, उसका उसका आपको क्या मिल जाएगा, फायदा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखना बेटा, सेक्शन 16 क्या बोलता है, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग ITC, फॉर टेकिंग ITC, सर ITC सबको मिलेगा? नहीं। तो बेटा ITC उसको मिलेगा जिसके पास क्या है, GST का रजिस्ट्रेशन है। GST का क्या है, रजिस्ट्रेशन। तो लिख लो बेटा, दो पार्ट में लिख लेना, हु इज एलिजिबल फॉर टेकिंग ITC? ओनली रजिस्टर्ड पर्सन, ऑन रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल, रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल और eligible to take credit of tax paid, of tax paid on inward supplies, on inward, inward का मतलब मैं जो भी purchase करूँगा उसके ऊपर, inward supplies of goods, of goods or services। तो ITC सिर्फ किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, याद रखना, ओनली रजिस्टर्ड पर्सन, ओनली अंडरलाइन कर लेना, ओनली रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल टू टेक क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन द परचेज ऑफ व्हाट, ऑन द परचेज ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विसेस, ठीक है। और आगे लिखना इधर एरो बना के कि सच इनवर्ड सप्लाई मतलब मैं जो भी परचेस कर रहा हूँ, सच इनवर्ड सप्लाईज इधर यूज होना चाहिए, यूज्ड
और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ दी बिजनेस। बेटा बोलने का तरीका राइट एकदम साफ है कि जो भी आप इनवर्ड सप्लाई ले रहे हो, इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है, परचेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो बेटा वो सब चीज़ें कहाँ पे यूज़ होनी चाहिए आपके बिजनेस में। सर्च इनवर्ड सप्लाईज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड राइट इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, ये कंडीशन याद रखना ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग द ITC। इज इट क्लियर? और ये किधर यूज होना चाहिए, किधर यूज होना चाहिए, विच इज इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। अगर पर्सनल पर्पज के लिए अगर आप ये सब परचेस कर रहे हो तो इसके ऊपर आपको ITC नहीं मिलेगा ठीक है। कार खरीदो तो पर्सनल पर्पज मत दिखाओ तो आपको उसका ITC नहीं मिलेगा, तो क्या दिखाने का, बिजनेस यूज के लिए लिया। मोबाइल खरीदो ये मत दिखाओ मैं राइट इसके लिए पर्सनल पर्पज के लिए ले रहा हूँ, किसके लिए दिखाओ, बिजनेस पर्पज के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका ITC मिल जाएगा ठीक है। मतलब जो भी आपने टैक्स पे किया उतना उतना अपना लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। नेक्स्ट हेडिंग डालना कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए काम आएगा, कंडीशन फॉर टेकिंग ITC। कंडीशन फॉर टेकिंग ITC, स्टार मार्किंग कर लेना। चलो बेटा चार कंडीशन है, हाउ मच कंडीशन आ रहे, फोर कंडीशन। तो पहला कंडीशन लिखो जरा, तो ही बोलूंगा तो मतलब किसके बारे में बात हो रही है बेटा, रेसिपिएंट। ही बोलेंगे तो कौन है बेटा, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट हैज, बेटा उसको ITC कब मिलेगा, रेसिपिएंट हैज रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज। मतलब गुड्स जो अगर मैंने, जैसे मैंने आपको माल बेचा है तो आपको गुड्स क्या हो जाना चाहिए, रिसीव हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, अगर आपको गुड्स रिसीव नहीं है तो बेटा आपको ITC नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? नहीं मिलेगा, गुड्स रिसीव होना चाहिए और उसके साथ साथ ही बोलेगा तो रेसिपिएंट has furnished GSTR 3B। तो बेटा ये रिटर्न फाइल भी होना चाहिए, GSTR 3B। तीन तरह का मंथली रिटर्न आपको फाइल करना पड़ता है और इस महीने का GST आपको कब पे करना पड़ेगा, अगले महीने की 20 तारीख। तो ये इस महीने का जो भी GST है कब पे करना पड़ेगा, अगले महीने की 20 तारीख। और 20 तारीख को जब भी आप करोगे तो बेटा आपको तीन तरह का रिटर्न फाइल करना पड़ता है, कितना तरह का, तीन तरह का, लिख के रख लो। तो GSTR 1 लिखाया था मैंने, ये GSTR 2, और दिशा क्या रहता बेटा, GSTR 3B। कंपोजिशन में पढ़ाया था ना मैंने, GSTR 1 में क्या रहता है, नॉर्मली आपका आउटवर्ड सप्लाई रहता है, क्या रहता है, आउटवर्ड सप्लाई। जो भी आप आउटवर्ड मतलब जो जितना भी आपने सेल किया है, क्या किया है, सेल किया है, वो सब इसमें आएगा। और जितना आपने परचेस किया बेटा वो सब किधर आएगा, आपका यहाँ पे
इन्वर्स सप्लाई, ठीक है। और इन्वर्स सप्लाई में भी आपका क्या आ जाता है, ITC आ जाता है। क्या आ जाता है, क्योंकि परचेस किया तो आपने टैक्स पे किया है ना, उसका आपको क्या मिल जाएगा, ITC। और 3B में क्या आता है बेटा, आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई प्लस प्लस क्या कर देने का, इधर इनवर्ड सप्लाई, दोनों का डिटेल देना पड़ेगा। आउटवर्ड सप्लाई प्लस इनवर्ड सप्लाई दोनों का डिटेल देना पड़ेगा। और ये क्या होता है बेटा, मंथली फाइल रिटर्न होता है। क्या होता है, मंथली। और GST का जो भी पेमेंट है अगले महीने की 20 तारीख है ना, 20th ऑफ द डे GST पेमेंट ड्यू डे क्या आएगा, अगले महीने की, नेक्स्ट मंथ की, नेक्स्ट मंथ्स 20 तारीख। मतलब अभी ये क्या चल रहा है, राइट, मार्च चल रहा है ना, तो मार्च का जो भी पेमेंट है कब जाएगा, 20 अप्रैल, 20 अप्रैल तक पे हो जाना चाहिए। और GST भी फाइल हो जाना चाहिए, ठीक है। और एक होता है GSTR 9, क्या होता है GSTR 9, उसको बोलते हैं बेटा एनुअल रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको, एनुअल रिटर्न। और इसका ड्यू डेट क्या रहता है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा ना, तो इमिडिएटली फाइनेंशियल ईयर का जो 31st December आएगा, इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर का जो 31st December आएगा, ये आपका राइट GSTR 9 फाइल करने का ड्यू डेट रहता है, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल ईयर मेरा कभी ख़त्म होने वाला है 31st March ना अभी, तो 31st March के बाद क्या आने वाला है, इमीडिएटली 31st December आएगा ना, तो 31st December 2023 मेरा ड्यू डेट रहेगा एनुअल रिटर्न फाइल करने का, ठीक है। इधर ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकता है तो लिख लो, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B एंड GSTR 9 फाइनेंशियल ईयर। इज इट क्लियर एवरीवन? तो दो कंडीशन तो अपन ने सीख लिया कि रेसिपिएंट को गुड्स और सर्विसेज मिल जाना चाहिए, और दूसरा बेटा ये इसको क्या फर्निश करना पड़ेगा, GSTR 3B रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तभी जाके उसको क्या मिलेगा, ITC मिलेगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा इसमें मेरे को ना अपना जो जो मैंने परचेस किए ना सबके डॉक्यूमेंट मेरे को क्या करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, अपलोड, ठीक है। तीसरा देखना, टैक्स ऑन सच सप्लाई has been paid by supplier। बेटा आपने मनोहर सर से गुड्स खरीदा था, मनोहर सर से आपने 10,000 का गुड्स खरीदा था, और कितना पे किया था आपने, 1200 रुपये टैक्स पे किया था, GST अभी भी किया ना, 1200 रुपये टैक्स पे किया। तो बेटा ये जो टैक्स है ना, आपको ITC पता कब मिलेगा, जब मैं गवर्नमेंट के खाते में पैसा जमा कर दूँ। मनोहर सर किधर पैसा जमा करना चाहिए, गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देना चाहिए, तभी जाके आपको ITC मिलेगा। अगर मैंने जमा नहीं किया तो आपको 1200 रुपये का बेनिफिट मिलेगा क्या, फिर नहीं मिलेगा। तो थर्ड कंडीशन वही लिखा है कि टैक्स ऑन सच सप्लाई हैज बीन पेड बाय दी सप्लायर। मतलब मैंने आपसे 1200 रुपये लिया था एज ए GST, तो मुझे जाके गवर्नमेंट को क्या कर देना है, पे कर देना है। अगर मैं ही नहीं पे करूँगा तो आपको ITC मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। और चौथा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या है कि ही लिखना बेटा, ही का मतलब क्या है, रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट हैज वैलिड इनवॉइस होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए उसके पास, इनवॉइस। इनवॉइस नहीं तो डेबिट नोट से काम चल जाएगा, और अगर डेबिट नोट भी नहीं है तो अदर
प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, अदर और अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट। बेटा आईटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, वैलिड इनवॉइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो जब आप गवर्नमेंट से आईटीसी लोगे, गवर्नमेंट आपसे पूछेगी कि भाई कागज पत्र है क्या, तो बेटा कागज रहेगा, ठीक है, वैलिड इनवॉइस रहेगा तो ही जाके आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? तो बेटा इनवॉइस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनवॉइस आपको अपलोड करना पड़ता है साइट पे जाके, है ना, जो GSTR 1 है ना, जो GSTR 2 है, GSTR 2 में जाके आपको इनवॉइस क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा कि मैंने इतना परचेस किया था, मैंने गवर्नमेंट को इतना टैक्स ऑलरेडी दे चुका हूँ, तब जाकर मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेटा आपके पास इनवॉइस था, तकिए के नीचे रख के सो गए, ठीक है, और उसके साथ आप नहा लिए पूल में जाके, तो बेटा गवर्नमेंट आपको आईटीसी नहीं देगा, ठीक है। गवर्नमेंट आईटीसी कब देगा? जब आपके पास क्या हो, वैलिड इनवॉइस हो। क्या हो आपके पास? वैलिड इनवॉइस। तो वैलिड इनवॉइस होएगा तो ही आपको, दो कंडीशन याद रखना, मोस्टली एग्जाम में ये दो ही आता है, पहला तो गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए, और दूसरा याद रखने का कि आपके पास क्या होना चाहिए, वैलिड इनवॉइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैलिड इनवॉइस होएगा तभी जाके गवर्नमेंट आपको क्या देगा, आईटीसी देगा, अदरवाइज आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं। चलो इसमें स्पेशल नोट लिख लो, पहला लिख लो गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स। बेटा लॉट्स में गुड्स मिल रहा है, लॉट्स में गुड्स मिल रहा है, मतलब मेरे को एक साथ गुड्स नहीं मिल रहा है, सब इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है। क्या, किस में मिल रहा है? इंस्टॉलमेंट में, LOTS, लॉट्स। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है बस, ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल से इतना कुछ इसका लेना देना नहीं है। गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स, अगर आपको गुड्स किस में रिसीव हो रहा है, लॉट्स में रिसीव हो रहा है, मतलब आपने मेरे को, मनोहर सर को आपने ऐसा राइट रेसिपी आपने ऑर्डर दिया 10,000 kg का, कितने का? तो मैंने बोला भाई मेरे पास 10,000 एक साथ नहीं है, ठीक है, तो बेटा राइट मैं आपको 6,000 जनवरी में दे दूंगा, 3,000 आपको फरवरी में दे दूंगा, और बचा कितना बैलेंस, 2,000। तो 2,000 किलो माल मैं कब सप्लाई कर दूंगा आपको, इन द मंथ ऑफ मार्च। तो बेटा तो मेरे को जो मैंने 6,000 kg जो मैंने माल आपको सप्लाई किया था कब, जनवरी के महीने में, तो बेटा उसका आईटीसी आपको कब मिलेगा, जब आपको लास्ट लॉट रिसीव हो जाएगा तब, ठीक है। तो आपको आईटीसी कब मिलेगा ज़रा देख लेना, तो आईटीसी अलाउड है आपको, देख लेना बेटा इसमें नीचे आईटीसी अलाउड, कब अलाउड होगा, राइट, ऑन रिसीप्ट ऑफ लास्ट लॉट, मतलब जिस दिन मेरे को लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा उस दिन आप आईटीसी ले सकते हो, उसके पहले नहीं। बात समझ में आ रही है? तो अगर गुड्स रिसीव होता है इंस्टॉलमेंट पे, तो बेटा आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। जब आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, आपको किस महीने में आईटीसी मिलेगा, मार्च महीने में आईटीसी मिलेगा, कितने, किस महीने में, तो 10,000 किलो जो आपने मटेरियल में से खरीदा है ना, उसका आईटीसी आपको कब मिलेगा, मार्च महीने में, जनवरी का नहीं मिलेगा, फरवरी का नहीं मिलेगा। और ये सेकंड लिख लेना तेरी, इफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड On capital goods, तो बेटा उस कंडीशन में जो भी आपने GST पे किया रहेगा, जो भी GST पे किया रहेगा बेटा, उसके लिए आपको नो ITC। गवर्नमेंट का एकदम सिंपल बोलना है, या तो तू डेप्रिसिएशन ले ले, या तो क्या ले ले ITC। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना,
अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है ऑन कैपिटल गुड्स, तो बेटा जो भी आपने जीएसटी पे किया रहेगा, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट खरीदने के लिए या कंप्यूटर खरीदने के लिए, मोटर कार खरीदने के लिए, ये सब आपके लिए फिक्स असेट है ना, तो इसके लिए अगर आपने अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो बेटा आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ याद रखने का नहीं। ठीक है, थर्ड लिखना है इसमें, थर्ड बोलेगा तो थर्ड पॉइंट लिखो। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, तो बेटा आईटीसी है, जो भी आप गुड्स परचेस करते हो उसके लिए टाइमलाइन बना हुआ है, कब तक आप आईटीसी ले सकते हो, कब तक आप आईटीसी ले सकते हो, टाइमलाइन बना हुआ है। पहला लिख लेना इसमें कब मिलेगा, टाइम लिमिट फॉर आईटीसी लिख लो, ऑन रिसीप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जिस दिन मुझे गुड्स और सर्विसेज मिल जाएगी उस दिन मैं क्या ले सकता हूँ, आईटीसी ले सकता हूँ। दूसरा, दूसरा मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या, जरा देख लेना, मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम लिमिट देख लेना, मैक्सिमम टाइम लिमिट है ए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी आर 3B GSTR 3B for the month of September after the end of FI का मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर, और बी है इसमें एक्चुअल डेट, तो आप मुझे बताओ बेटा एक्चुअल डेट और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B। बेटा सितंबर मंथ का मैं जीएसटी का पे करूँगा 20 अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर और जो एक्चुअल डेट है, ठीक है, दोनों में से जो अर्लियर डेट होगा, विच एवर इज अर्लियर वो आपका मैक्सिमम टाइम लिमिट होगा। लिख के रख लो, विच एवर इज अर्लियर। बेटा मान के चलो कि आपने रिटर्न फाइल कर दी, तो नॉर्मली रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास दिसंबर तक का समय, ठीक है, तो बेटा आपने रिटर्न फाइल कर दो, चलो मान के चलो कितना, आपने बहुत पहली रिटर्न फाइल कर दी, तो आपने रिटर्न फाइल कर दी मान के चलिए 25 सितंबर 2023, और आपका ये जो ड्यू डेट कभी आ रहा है, मतलब सितंबर मंथ का जीएसटी मैं कब पे करूँगा, अक्टूबर के 20 तारीख ना, तो 10 20 10 2023
तो दोनों में डेट कौन सा नज़दीक है? 25 नौ। 25 नौ ना, तो 25 नौ तक आप क्या ले सकते हो? ITC ले सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद नहीं, उसके बाद आपको ITC नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर यही डेट होती, अगर 25/11/2023 तो आप कहाँ तक ITC ले सकते थे? 20/10 तक, लास्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपका 31 मार्च है ना, मार्च महीना चल रहा है ना, तो अगर सपोज मैंने अप्रैल के महीने में नहीं लिया, मई के महीने में नहीं लिया मार्च महीने का, तो मैं कब तक ले सकता हूँ ये फाइनेंशियल ईयर का? ये जो भी मेरा फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है 22/23, तो 22/23 में जो अगर मैं कोई ITC लेना भूल गया, तो उसका ITC मैं कब तक ले सकता हूँ? लास्ट तारीख क्या है मेरे लिए? लास्ट तारीख क्या है मेरे लिए? राइट, 20/10 है। बात समझ में आ रहा है? तो 20/10 तक ले सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2022/23 का, तो अप्रैल से लेकर मार्च, अप्रैल से लेकर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चालू का भी होता है 1 अप्रैल और एंड का भी होता है 31 मार्च। तो बेटा अगर इस दौरान अगर मैं कुछ भूल गया ITC लेना, तो उसका ITC मैं कब ले सकता हूँ? राइट, कब ले सकता हूँ? उसका मैक्सिमम डेट ये है। इज इट क्लियर? ये तारीख तक आप ले सकते हो, या तो आप सितंबर मंथ का जो भी आप राइट GST पे करने का रहेगा, तो अगले महीने का 20 तारीख, और जो भी आपका एक्चुअल डेट है, जो भी आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया उसका, ठीक है, तो उसका कौन सा डेट विच एवर इज अर्लियर रहेगा, तो आप वहाँ तक क्या ले सकते हो? ITC ले सकते हो। इज इट क्लियर? ये तो ऐसा थेरी, इतना कुछ आता नहीं है। चलो, सप्लाई बेटा दो टाइप की होती है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अभी देखो काम की चीज़ आ रही है। सप्लाई दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक होता है इंट्रा सप्लाई ना, इंट्रा सप्लाई, और एक क्या होता है? इंटर सप्लाई। इंट्रा सप्लाई का मतलब क्या है? विद इन द स्टेट, और विद इन द स्टेट रहेगा तो बेटा क्या लगता है जरा बताइए? CGST एंड SGST, ये लगता है ना, या UTGST अगर यूनियन टेरिटरी रहेगा तो। और अगर इंटर सप्लाई रहेगा तो बेटा क्या बोलते हैं इसको? आउटसाइड द स्टेट। तो बेटा यहाँ पे क्या लगता है? IGST। खत्म हो गई, ये कुछ है नहीं। यहाँ पे तीन कॉलम बनाने पड़ेंगे अपने को। तो बेटा यहाँ पे तीन टैक्स होंगे, कौन कौन से? राइट, एक होगा CGST, एक क्या होगा? CGST, एक क्या होगा? SGST, और लास्ट में क्या होगा बेटा? IGST। ठीक है, और सबसे पहले निकालेंगे हम लोग टैक्स किस पे बेटा? आउटवर्ड टैक्स। और आउटवर्ड टैक्स इसके ऊपर निकलता है बेटा, जो भी आप सप्लाई कर रहे हो, जो भी आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। जो भी टैक्सेबल सेल करोगे बेटा, उसके ऊपर क्या लगेगा? आउटवर्ड टैक्स, उसको बोला जाता है आउटवर्ड टैक्स। तो सेल क्या कर सकता हूँ? सेल ऑफ गुड्स, और बेटा सर्विसेज क्या की जाती है? प्रोवाइड की जाती है, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड करके आएगा बेटा, उसके ऊपर क्या निकाल लेना? आउटवर्ड टैक्स निकाल लेना। तो सर इनवर्ड टैक्स किसके ऊपर निकलेगा? तो बेटा इनवर्ड टैक्स बोलेगा तो ITC ना, तो बेटा परचेस ऑफ गुड्स, या तो किसी पर बेटा सर्विसेज अवेल्ड। तो मैंने सर्विसेज ली तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अवेल्ड, दैट्स कॉल्ड द ITC। आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई क्या होता है, समझ में आया आप लोग को? तो आउटवर्ड का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स, या तो मैं गुड्स बेचूंगा या तो सर्विसेज दूंगा, सर्विसेज प्रोवाइडेड। ठीक है, और अगर इनवर्ड रहेगा तो बेटा क्या आएगा? इनवर्ड रहेगा तो बेटा क्या आएगा? परचेज ऑफ गुड्स या तो सर्विसेज अवेल्ड, मैंने सर्विसेज लिए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? सर्विसेज अवेल्ड, उसको इनवर्ड में लिख देना। उसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगा? ITC क्या मिल जाएगा? ITC। उसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगा? ITC। और एग्जाम में यही आता है सेल ऑफ गुड्स,
या सर्विसेज अवेल या सर्विसेज प्रोवाइडेड या तो परचेज ऑफ गुड्स। विद इन स्टेट करूँगा तो दो तरह का जीएसटी लग जाएगा, मतलब जीएसटी का दो टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 5% जीएसटी तो बेटा कितना, 2.5%। 14% है तो 7.7%। 24% है तो 12.12%। 19% है तो 9.9%। और 28% है तो 14.14%। क्लियर? यहाँ पे सपोज आपका जीएसटी ऐसे आ रहा है 50 50, और यहाँ पे बेटा एक्सेस माइनस में आ रहा है 60,000। बेटा आईजीएसटी का टैक्स से मैं क्या पे कर सकता हूँ, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मैं जो ये जो सरप्लस है ना, जो सरप्लस है किसका सरप्लस है, सरप्लस ऑफ आईजीएसटी को एडजस्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, एडजस्ट कर सकता हूँ किसके अगेंस्ट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बेटा यहाँ तो 60 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 60। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और इधर सीजीएसटी का पैसे से आईजीएसटी के पैसे से मैं क्या पे कर सकता हूँ, सीजीएसटी। तो सबसे पहले क्या पे करने का, कितना ये 50 है ना, तो पूरा 50,000 पहले ये पे कर दो। बचा कितना 10 ना, 10,000 से मैं क्या पे कर सकता हूँ, एसजीएसटी पे कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है, मेरा यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी क्या हो गया बेटा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा और यहाँ पे जीरो। तो दैट इज कॉल्ड द जीएसटी पेबल। बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर? मैं सीजीएसटी से क्या पे कर सकता हूँ, सॉरी आईजीएसटी का पैसा कहाँ पे, इज इट क्लियर? ये कॉम्बिनेशन समझ लेना। तो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो बताओ यहाँ पे आया मेरा 50, यहाँ पे 40, ये माइनस में लिख लो और माइनस ब्रैकेट डाल देना और कुछ नहीं, ब्रैकेट डाल दो माइनस 50 और माइनस 40 और ये मेरा पॉजिटिव आ रहा है 90। ठीक है बेटा, मैं आईजीएसटी का जो टैक्स पॉजिटिव है ना, मतलब मुझे देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कितना देना पड़ेगा, 90,000। अब बेटा मैं सीजीएसटी का पैसा किसके लिए यूज कर सकता हूँ, आईजीएसटी, और एच जी एस टी का भी पैसे से मैं क्या पे कर सकता हूँ, आई जी एस टी, एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। चलो सी जी एस टी लेस कर देंगे क्या बेटा, हम लोग सी जी एस टी एंड एस जी एस टी एडजस्ट है। चलो एडजस्ट कर सकते हैं ना सरप्लस इसका, तो सरप्लस सरप्लस ऑफ सरप्लस ऑफ सी जी एस टी, सरप्लस ऑफ सी जी एस टी एंड एच जी एस टी एडजस्टेड अगेंस्ट आई जी एस टी। चलो पे कर देंगे बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये टोटल इधर कितना कर दूंगा मैं, -90। -90 तो यही आ जाएगा बेटा, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी जीरो। मैं क्या सीखा इधर, दो चीजें सीखा। तो बेटा आईजीएसटी से आप दोनों टैक्स पे कर सकते हो, सीजीएसटी एचजीएसटी दोनों को एडजस्ट कर सकते हो अगर एक्स्ट्रा पैसा है आपके अकाउंट में तो, और अगर आपके अकाउंट में एसजीएसटी सीजीएसटी में पैसा ज्यादा है तो उसे आप क्या पे कर सकते हो, आईजीएसटी पे कर सकते हो।
बट बेटा CGST का पैसा SGST के लिए यूज़ कर सकते हो क्या? तो बेटा ये ना चौल पे, ठीक है? तो जैसे ममता बनर्जी और मोदी गवर्नमेंट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। केजरीवाल और मोदी गवर्नमेंट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो क्रॉस कनेक्शन है ना। तो बेटा CGST का पैसा मैं SGST के लिए यूज़ नहीं कर सकता, और SGST का पैसा मैं CGST के लिए नहीं पैसा यूज़ कर सकता। तो मतलब आजू बाजू रहते ना ये दोनों, आजू बाजू है ना, आजू बाजू के कट्टर दुश्मन है इन लोग। ये बोलता मैं तेरा शकल नहीं देखेगा, ये बोलता मैं तेरा शकल नहीं देखेगा। बात समझ में आ रहा है? तो बेटा आजू बाजू वाला अगर किधर एक्सेस आ गया तो उसको SGST और IGST और CGST का पैसा लिख के रख लो। बेटा CGST से मैं क्या पे कर सकता हूँ? बेटा मैं CGST से क्या पे कर सकता हूँ? एक तो पहला CGST, उसके बाद मैं क्या पे कर सकता हूँ? IGST। ऐसे ही SGST से मैं क्या पे कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं क्या पे कर सकता हूँ? SGST, उसके बाद पैसा बचेगा तो किधर? IGST। बट CGST का पैसा से मैं SGST पे कर सकता है क्या? क्या SGST का पैसा से मैं CGST पे कर सकता है क्या? तो आंसर इसका आएगा बेटा, क्रॉस मार देना, नो। तो एक पहले लिख लेना, IGST से मैं क्या पे कर सकता हूँ? IGST। और क्या पे कर सकते हैं हम लोग? CGST एंड SGST। बट CGST का पैसा मैं SGST के लिए पे कर सकता हूँ क्या? पे कर सकते हैं क्या हम लोग? क्रॉस कर दो। बट CGST से SGST नहीं पे कर सकते, और SGST से हम लोग CGST पे नहीं कर सकते। क्रॉस कनेक्शन है क्या बेटा? आजू बाजू में क्रॉस कनेक्शन है। हाँ, CGST से मैं क्या पे कर सकता हूँ? CGST। ऐसा बचेगा तो मैं क्या पे कर सकता हूँ? IGST। ऐसे SGST से मैं पहले सबसे पहले क्या पे करने का? SGST। पैसा बचेगा तो बाहर वाले के, पहले घर वाले का सोचना पड़ेगा ना। पहले घर वाला टैक्स पे करो, बाद में बाहर वाला पे करो। तो बेटा बाहर वाला कौन सा? ये IGST। IGST पे कर सकता हूँ, और IGST से सबसे पहले क्या पे करने का? IGST। पैसा बचेगा तो मैं किधर यूज़ कर सकता हूँ? CGST एंड SGST। बट CGST से SGST पे कर सकते हैं क्या? नहीं। और SGST से CGST पे कर सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, नहीं कर सकते। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे ना तभी समझेगा आपको, ठीक है? ये तो सब कहानी चल रही है, ठीक है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, निकालो जरा बुक आपका, निकालो। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा जो करा रहा हूँ अभी। क्या 20 नहीं 10 मार्क्स ले आए? आएगा ही नहीं, 10 मार्क्स के लिए आएगा। ये वाला एक क्वेश्चन करेंगे ना तब अपने चलो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 निकालो जरा। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 263। पेज नंबर 263 पे क्वेश्चन नंबर 1
और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आएगा। 263 क्वेश्चन नंबर वन मिला सब लोगों। और याद रखने का बेटा इंट्रा सप्लाई रहेगा तो दो तरह का जीएसटी लगता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और अगर स्टेट के बाहर अगर माल सप्लाई किया तो या तो परचेस किया तो क्या मिलेगा आपको, आईजीएसटी मिलेगा। मिला क्वेश्चन नंबर वन। चलो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बड़े सिंपल रहते हैं। ध्यान देना बेटा, मिस्टर अशोक रजिस्टर्ड डीलर इन महाराष्ट्र। तो बेटा अंडरलाइन कर लेना कहाँ का डीलर है ये, कहाँ का डीलर है, महाराष्ट्र का। मतलब महाराष्ट्र के भीतर भीतर कोई गुड्स परचेस करेगा सोल्ड करेगा तो बेटा क्या लगेगा इसको, सीजीएसटी या एसजीएसटी। महाराष्ट्र के बाहर अगर इसने गुड्स बेचा तो आईजीएसटी लगेगा। वेरी गुड। तो प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022, कैलकुलेट हिज नेट टैक्स लाइबिलिटी अंडर द जीएसटी। और बेटा ऑलरेडी इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, मैंने आपको बताया ना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, और कैश लेजर के थ्रू आपका क्या होता है, सब पेमेंट होता है। ठीक है, तो तीन तरह के लेजर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। ठीक है, तो बेटा ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब इसके पास ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। तो बेटा आईजीएसटी में इसके पास ऑलरेडी कितना पैसा है, 75, सीजीएसटी में कितना है, 10, और एसजीएसटी में ऑलरेडी कितना है। तो इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाएगा, इस साल का, इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जरा बताओ सोल्ड गुड्स टू द प्रदीप इन मैसूर, और मैसूर किधर है बेटा, कर्नाटका ना, तो बेटा क्या लगेगा इसके ऊपर, आईजीएसटी। ये सब पढ़ चुके हैं ना प्लेस ऑफ सप्लाई में हम लोग। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू मेजर अनिल एंड कंपनी इन पुणे, तो बेटा तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लग जाएगा इसके ऊपर। और ये दोनों के दोनों क्या बेटा, उधर ओ लिख के रख लो, ओ का मतलब क्या है, ये आउटवर्ड सप्लाई है। क्या ये आउटवर्ड सप्लाई है ना। अच्छा, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद एंड कंपनी फ्रॉम सांगली, सांगली महाराष्ट्र में आता है, तो बेटा यहाँ पे क्या लग जाएगा, सीजीएसटी एंड। तो गुड्स परचेज करेगा तो बेटा उधर आई लिख लेने का, आई, आई का मतलब है इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई है ना ये। अच्छा, सर्विस मैंने अवेल किया, सर्विस अवेल किया मतलब ये क्या बेटा, मेरा इनवर्ड सप्लाई। और ये कहाँ से किया बेटा मैंने ये सप्लाई, गुजरात, गुजरात से किया तो बेटा क्या लगेगा, आईजीएसटी। फिफ्थ पॉइंट पढ़ना, बहुत ही कमाल का है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम जयंतन कंपनी फ्रॉम मुंबई बेटा महाराष्ट्र, बट नो टैक्स इनवॉइस हैज बीन रिसीव। तो बेटा क्या इसको आईटीसी मिलेगा, लिखाया था ना आपको, आईटीसी मिलने के लिए दो कंडीशन का होना बहुत जरूरी है, एक तो आपके पास गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए और दूसरा आपके पास वैलिड इनवॉइस होना चाहिए। इसके पास वैलिड इनवॉइस है क्या, नहीं। तो बेटा इनवॉइस नहीं है तो इसको नो इनवॉइस नो आईटीसी नोट लिख देने का। ठीक है, ऑल अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो बेटा किसी भी अमाउंट में जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। और यहाँ पे बोला बेटा आईजीएसटी कितना बोला है, 12%, एसजीएसटी कितना बोला है, 9%, और सीजीएसटी कितना है, 9%। तो चलिए तीन कॉलम हम लोग बनाएंगे, आ जाओ। और 10 मिनट में ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट। क्वेश्चन नंबर वन इधर करने का, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। रुको रुको, कॉलम बनाना सिखा रहा हूँ मैं। पहला कॉलम बनेगा बेटा पर्टिकुलर्स, दूसरा बनाने का कैलकुलेशन, क्या बनाने का, छोटा सा ही बनाने का कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन एक ही पेज पे आ जाएगा, ये सिर्फ थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन। यहाँ पे तीन तरह के टेस्ट है ना बेटा, आईजीएसटी, फिर उसके बाद क्या लग रहा है, सीजीएसटी,
उसके बाद क्या लगेगा? SGST। बात समझ में आ रही है? अगर इंटर सप्लाई है तो क्या लगेगा? IGST। और अगर इंट्रा सप्लाई तो बेटा क्या लगेगा? CGST एंड SGST। चलो ये तीन कॉलम बना लो फटाफट, छह सात लाइन में। आप किसको भी पहले ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको CGST SGST पहले लिखने का है क्या? तो एक ही फॉर्मेट याद रखने का, चलो पहले लिख लो उसको, क्या फर्क है। नहीं करो, सबसे पहले क्या निकालेंगे? आउटवर्ड टैक्स। क्या निकालेंगे? आउटवर्ड। और आउटवर्ड टैक्स में क्या होता है? मैंने जो माल बेचा है उसके ऊपर कितना टैक्स मैंने कलेक्ट किया, और मैंने जो GST पे किया है, ठीक है, परचेस करते वक्त उसका मुझे क्या मिल जाएगा? ITC। करें इसे, हो गया सब लोग का। फर्स्ट निकालो बेटा आउटवर्ड टैक्स। आउटवर्ड टैक्स में दो चीज़ आती है, गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड। गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। चलो फर्स्ट आइटम लिखो, क्या लिखा है बेटा? मैंने सोल्ड किया ना गुड्स, सोल्ड गुड्स टू किसको? प्रदीप। प्रदीप किधर रहता है बेटा? कहाँ रहता है? मैसूर कर्नाटका। बेटा इसके ऊपर क्या लगेगा जरा बताओ? IGST लगेगा, और IGST का रेट नीचे दिया हुआ है ना, तो बेटा 1.5 लाख का सप्लाई किया ना, 1.5 लाख का, और 1.5 लाख के ऊपर 12% ही बोला है ना IGST। IGST कैलकुलेट करके IGST के कॉलम में अमाउंट लिख दो, कितना आएगा 1.5 लाख पे 12%? अठारह हजार आएगा ना। इसको किधर लिखू मैं? IGST के कॉलम में लिखू ना, इधर लिख देने का अमाउंट, इधर डैश। इतना करोगे एग्जाम में 1 मार्क्स मिल जाएगा। कुछ नहीं आता ना, उसे टैक्स भी कैलकुलेट करके आ गया ना सही कॉलम में, तो उसको भी 6-7 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएगा। चलो सेकेंड क्या बेटा? फिर से गुड्स सोल्ड किया है ना, सोल्ड गुड्स टू किसको? मेजर्स अनिल एंड कंपनी। बेटा ये लोग किधर रहता है? इन पुणे। पुणे किधर है बेटा? महाराष्ट्र में। बताओ क्या लगेगा इसके ऊपर? दोनों का रेट सेम ही है ना, तो 2 लाख पे बेटा 9% निकाल लो एक ही बार कैलकुलेट करने का। बेटा ये भी कितना आ जाएगा? 18,000। ये भी कितना आ जाएगा? 18,000। इज इट क्लियर गाइस? इसका टोटल कर दो, और तो कुछ है नहीं ना, ये दोनों का टोल कर दो बेटा, कितना आ जाएगा इधर? 18। हाँ 9% ये ना बेटा CGST SGST। 9-9 बोलेगा तो वो तो नहीं होगा ना, 9,000। क्यों देंगे आधा? क्यों आधा देंगे बेटा? GST दिया हुआ है ना, CGST कितना है? 9%। और SGST भी कितना है? 9%। तो 9% नहीं निकालोगे ना,
तो आप दो दो बार क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, एक ही बार कैलकुलेट करो ना, सिंपल लिखो 2,09,000। चलो सपोर्ट रोल मार दो 18। ये क्या आ गया मुझे, टोटल आउटवर्ड टैक्स आ गया, ऐसा नो, इसको नाम दे दो बेटा वन, बने नहीं ये, और डबल अंडरलाइन कर दो, आउटवर्ड टैक्स आ गया। अभी सेकेंड हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, इनपुट टैक्स, क्या निकालेंगे, इनपुट टैक्स, और इनपुट का मतलब है जो मैंने परचेस किया है, परचेस करेगा, तो चलो इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालेंगे। इनपुट टैक्स या इनपुट बिल लिख दोगे तो भी चलेगा, इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स किस पे निकलता है, जो मैंने परचेस किया है, जो मैंने सर्विसेज अवेल किया है उसके ऊपर, और उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, वैलिड इनवॉइस। अगर वैलिड इनवॉइस नहीं है तो मुझे ITC मिलेगा नहीं, अगर गुड्स रिसीव नहीं हुआ तो भी मुझे क्या नहीं मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा। तो चलो पहला क्या है इसमें बेटा, परचेस गुड्स ना, देख लो परचेज गुड्स फ्रॉम किसे, फ्रॉम विनोद एंड कंपनी, और ये लोग किधर रहता है, फ्रॉम सांगली, सांगली किधर है, महाराष्ट्र में, आप पूरा लिखने का, चलो कैलकुलेट करो महाराष्ट्र में तो बेटा क्या लगेगा जरा बताओ, CGST एंड SGST दोनों लगेगा, तो चलो कितने का सप्लाई किया, 60,000, 60,000 का कितना परसेंट, 9%, तो यहाँ पे IGST में डैश, और 60,000 का 9% निकालो कितना आएगा, 5,400, इज इट क्लियर। दूसरा पूछा गया बेटा, सर्विसेज अवेल ना, सर्विसेज अवेल कहाँ से, फ्रॉम अ कंसल्टेंसी, फ्रॉम अ कंसल्टेंसी, फ्रॉम जो कहाँ पे है, इन सूरत गुजरात में, कितना बेटा वो 1,00,000 है ना, 1,00,000 के ऊपर क्या लगेगा जरा बताओ, 12% IGST लगेगा, क्या लगेगा, IGST, क्योंकि महाराष्ट्र के डीलर किधर का है, महाराष्ट्र का ना, और सर्विस किधर से ले रहे हैं, गुजरात से, तो क्या लगेगा, IGST, तो IGST कितना 12% है ना, ज़्यादा निकालो 12%, कितना होगा इसका, 12,000, तो इसके अलावा नीचे वाला थर्ड वाला आएगा क्या बेटा, क्या थर्ड वाले को ITC मिलेगा, नहीं क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, इनवॉइस नहीं है, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे लिख लो टोटल इनपुट टैक्स कितना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, सपोर्ट टोटल 12,000, पाँच हज़ार चार सौ यही आया। और बेटा आउटपुट में से इनपुट क्या कर देंगे, माइनस, तो अपने को फाइनल टैक्स आ जाएगा, यस और नो, और लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो भी क्या कर देना, माइनस, पहले तो निकालो, चलो अच्छा माइनस कर सकते हो, तो बेटा 18 में से 12,000 क्या कितना आएगा, माइनस करना है ना आपको, इधर आएगा 6,000, प्लस हो रहा तो प्लस में लिखना, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में लिखना, अच्छा 18,000 में से 5,400 माइनस करो बेटा, 18,000 में से 5,400 माइनस करेंगे 12,600, इधर भी कितना आएगा 12,600, इसमें से क्या माइनस कर देंगे बेटा, लेस
ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, तो लेस कर दो बेटा इसमें से। ओपनिंग बैलेंस में भी कुछ पड़ा हुआ है ना अपने पास? हाँ चलेगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी बेटा ये दिया हुआ है ना प्रॉब्लम में, तो बेटा आईजीएसटी कितना दिया गया था आपका? 75,000 दिया है ना। और सीजीएसटी कितना दिया बेटा? 10,000। और एसजीएसटी कितना दिया गया है? 10,000। तो बेटा माइनस करना जरा। तो बेटा पहला वाला तो माइनस में आएगा, बाकी दो पॉजिटिव में आएगा, यस और नो? तो जरा लिखो, जरा माइनस करो। माइनस इधर कितना आएगा बेटा? 69। और ये पॉजिटिव आएगा 2600। यहाँ तक पहले आ जाओ। किसमें ज्यादा पैसा है? आईजीएसटी। मैं आईजीएसटी से सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर सकता हूँ? पे कर सकते हैं ना, कर दो फिर पे। पे 2600 ही है ना, पूरा पे हो जाएगा ना। इसको कुछ लिखने का नहीं, सिंपल लिखने का लेस सरप्लस। सरप्लस है ना, किसमें सरप्लस है? आईजीएसटी। एडजस्टेड, एडजस्टेड अगेंस्ट किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। चलो एडजस्ट कर दो। बेटा ये 69 बोलेगा तो ये 2600 पे हो जाएगा, और इधर बेटा माइनस 2600, तो 2600 कितना होता है? ये एक साथ ही लिख दो, 2600 5200 प्लस में लिख देने का। तो बेटा ये हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा ज़ीरो, और इधर गया कितना बचेगा? 63,800। तो बेटा 69,000 में से 5200 गया, तो कितना बचेगा? 63,800। माइनस में आ रहा है ना अभी भी, माइनस में लिख देने का, बोलेगा तो ब्रैकेट में लिख देने का। और यहाँ पे जीएसटी पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना, तो उसको बोलेगा बेटा जीएसटी रिसीवेबल, जीएसटी रिसीवेबल। अगर पॉजिटिव आएगा तो लिख देने का पेबल, ठीक है? तो बेटा टैक्स इधर कोई भी निकालेगा, एडजस्ट करने को आना चाहिए, यही सबसे बड़ा मगजमारी है इसमें। मतलब ये रिसीवेबल है, मतलब जब ये रिटर्न फाइल करेगा तो इसको पूरा पैसा मिल जाएगा। और माइनस माइनस करने का कुछ लिखने का नहीं, लास्ट में जाके आंसर लिख देने का। पॉजिटिव आएगा तो पेबल, और नेगेटिव आएगा तो रिसीवेबल, ठीक है? यस, उतना पैसा उसको मिल जाएगा अगले महीने। नोट लिख लेना, पहले ये समझा कैसे एडजस्ट किया मैंने, और नोट लिख लेना बेटा जो आपने लिया नहीं है। लिया नहीं है ना, लिख लो बेटा गुड्स परचेज विदाउट गुड्स परचेज गुड्स परचेस्ड विदाउट टैक्स इनवॉइस, विदाउट टैक्स इनवॉइस, नो आईटीसी विल बी रिसीव। बट आईटीसी मिलेगा क्या इसको? नो आईटीसी विल बी रिसीव, ठीक है? तो बेटा इसके लिए इतना ही क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स के लिए, ज़्यादा मगजमारी नहीं आता आपको। क्वेश्चन इतना करोगे 10 मार्क्स एग्जाम में आराम से मिल जाएगा। दो परचेज आएगा, दो सेल आएगा, और एक बोलेगा कि कभी गुड्स नहीं मिला, और कई बोलेगा टैक्स इनवॉइस नहीं मिला, ठीक है?
चलो क्वेश्चन नंबर टू देखो जरा, बस इतना ही आता है बस। क्वेश्चन नंबर टू देख लो बेटा, मेजर्स विन विन लिमिटेड मिला ये, और हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही तीन कॉलम बनाने का, एक कैलकुलेशन पर्टिकुलर्स और तीन अमाउंट का कॉलम। मिला मेजर्स विन विन लिमिटेड। अच्छा कहाँ का डीलर है बेटा ये? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर कोई भी सप्लाई करेगा तो क्या लगेगा? CGST। और महाराष्ट्र के बाहर माल बेचेगा परचेस करेगा तो? यस। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ फेब 2022, कैलकुलेट द नेट लाइबिलिटी अंडर द GST। तो ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बेटा कितना पैसा पड़ा है? तो बेटा IGST में कितना पैसा पड़ा है? 2, और SGST में 5। CGST में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, ठेंगा 0। चले, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अशोक इन पटियाला पंजाब, बताइए बेटा क्या लगेगा? गुड्स बेचा पटियाला, IGST। वेरी गुड। सोल्ड गुड्स टू मेजर्स आउटवर्ड, वो लिख लेना उधर। अच्छा सोल्ड गुड्स टू मेजर्स विनय एंड कंपनी इन वीरपुर, IGST। अच्छा गुड्स परचेज फ्रॉम मोना दिरबग असम, IGST। अवेल सर्विसेज फॉर कंसल्टेंसी इन कटरा जम्मू कश्मीर, IGST। अच्छा परचेज गुड्स फ्रॉम किशन लाल फ्रॉम अमृतसर, टैक्स इनवाइस मिल गया है, हाउ एवर द गुड्स वॉज नॉट रिसीव, तो बेटा गुड्स रिसीव नहीं हुआ है, तो बेटा क्या इसको ITC मिलेगा? टैक्स इनवाइस मिल गया बट इसको गुड्स रिसीव हुआ है क्या? नहीं। तो इसको बेटा नहीं मिलेगा। अच्छा नीचे रेट दिया गया है तो बेटा IGST का रेट कितना है? 12%। और SGST और CGST का रेट कितना है? 9%। तो चलो फटाफट तीन कॉलम बना लो, अमाउंट का कॉलम। आउटवर्ड का मतलब होता है जो हम लोग ने सोल्ड किया उसको बोलेंगे, आउटवर्ड माइनस इनवर्ड करने का, आउटवर्ड माइनस क्या करने का? इनवर्ड। दो आउटवर्ड रहेगा, दो इनवर्ड रहेगा, और एक ITC ओपनिंग बैलेंस इन ITC रहेगा, माइनस कर देने का, विल गेट द योर आंसर। कॉलम बन गए, करें इसको। चलो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? आउटवर्ड टैक्स, आउटवर्ड टैक्स लिखेंगे ना। यस चलो सबसे पहला क्या है बेटा? गुड सोल्ड है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अशोक, और अशोक किधर है बेटा? इन पटियाला है ना, पंजाब, पंजाब का है, आप पूरा लिख लेना। तो बेटा कितने का मैंने सप्लाई किया है? 2,00,000 का, और 2,00,000 के ऊपर कितने परसेंट का GST लग जाएगा बेटा? IGST लगेगा ना, रहता है महाराष्ट्र में, गुड्स बेच रहा है किधर? पंजाब में। बेटा क्या लगेगा? IGST कितना परसेंट है? 12%। चलो कितना आएगा इधर? 24,000, और इधर डैश डैश, इधर डैश, इधर डैश। इज इट क्लियर? बात आ रही समझ में? इतना करोगे एग्जाम में 1 मार्क्स मिल जाएगा। चलो दूसरा, सोल्ड गुड्स टू किसको बेचा? राइट, मेजर्स विनय एंड कंपनी, विनय एंड कंपनी जो कहाँ पे बेटा? इन वीरपुर, और वीरपुर किधर है? लिखा होगा आपको गुजरात में बेटा। इसके ऊपर भी IGST लगेगा, कितना ये? 4,00,000 बेटा, 4,00,000 का 12% बोलेगा तो कितना होगा?
48,000। यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश। अच्छा नीचे क्या आएगा बेटा, सब इनवर्ड सप्लाई है ना नीचे, परचेज गुड, सर्विस अवेल, राइट। पांचवा तो आने वाला ही नहीं है, उसको तो ITC मिलेगा ही नहीं। चलो ऐड कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड करेगा तो बेटा कितना आएगा इधर, 24 प्लस 48 72,000। यहाँ पे ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो। आइडिया डैश डैश कर दो तो भी चलेगा। हाँ डैश डैश कर दो, चलो डैश डैश। तुम जो बोलेगा मैं लिख देगा, टेंशन मत लो। तुमको जिधर लाइन मारने का मारो। मारो बिंदास लाइन मारो, किधर लाइन मारने का है। आउटवर्ड टैक्स खत्म, अभी क्या आएगा बेटा, इनपुट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलता है बेटा, जब हम लोग क्या करते हैं, परचेज। क्या करते हैं, परचेज, या तो सर्विस अवेल करेंगे तो। वेरी गुड। चलो मोना, मोना से खरीदा है गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम मोना। मोना किधर रहती है, फ्रॉम दिरबंग आसाम, आसाम में रहती है ना। मतलब क्या लगेगा इधर जरा बताइए, IGST लगेगा ना, कितना परसेंट, 12% दिया हुआ है, 12%। अगर अलग अलग रेट दिया रहेगा तो अलग अलग रेट लगा लेना। कितना ये 1,00,000 का 12% बोलेगा तो कितना आएगा बेटा, 12,000। और इधर डैश, इधर डैश। अच्छा दूसरा क्या बेटा, सब पढ़ने का, सर्विसेज अवेल ना। चलो सर्विसेज अवेल्ड बेटा, कहाँ से अवेल किया, फ्रॉम कंसल्टेंसी फर्म। और ये कंसल्टेंसी फर्म किधर है बेटा, कटरा। कटरा किधर है, जम्मू एंड कश्मीर, जेके। निकालो बेटा, इसके ऊपर भी IGST लगेगा ना। कितना है वैल्यू ऑफ सप्लाई, 1,00,000। 1,00,000 ही है ना, 1,00,000 का 12% बोलेगा तो 12। इधर डैश, इधर डैश। तो बेटा पांचवा पे मिलेगा क्या आपको, ITC मिलेगा क्या, गुड्स रिसीव हुआ है क्या आपको। कंडीशन पढ़ा है ना अभी हम लोगों ने, कि गुड्स भी रिसीव होना चाहिए, इनवॉइस भी रहना चाहिए। नहीं मिलेगा तो चलो टोटल मार दो, 24,000। कितना है बेटा, 24। इधर डैश, इधर डैश। ठीक है, पहले इसको करेंगे बेटा टोटल, क्या लिखेंगे, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेट्स कॉल द ITC लिख सकता हूँ ना मैं। चलो 1 में से 2 माइनस कर दो, तो भी टैक्स कम पड़ रहा है ना अपने को देने के लिए। तो 72 में से 24 गया, कितना बचेगा, 48,000। इधर डैश, इधर डैश, इधर डैश डैश है ना। अभी लेस क्या करने का बेटा, कुछ ओपनिंग में भी बचा हुआ है ना अपने पास। लेस ओपनिंग बैलेंस इन ITC, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC। ओपनिंग बैलेंस इन ITC कितना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना पैसा पड़ा हुआ है बेटा। IGST कितना है, 2,000। और CGST तो कुछ है ही नहीं, तो बेटा IGST नहीं है, अरे CGST कितना बेटा, माइनस 5,000 है ना। जरा माइनस करो नीचे, तो बेटा 46 अभी भी ये पॉजिटिव आ रहा है ना। और CGST कुछ नहीं है, और बेटा ये -5,000। क्या मैं SGST के पैसे से, SGST में सरप्लस है ना, SGST में, तो
बेटा SGST के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है ऑलरेडी? 5,000 सरप्लस है ना? हाँ। क्या उससे मैं IGST का पैसा पे कर सकता हूँ? हाँ। यस पे कर सकते हैं, तो आओ पे कर दो लेस सरप्लस ऑफ व्हाट? सरप्लस ऑफ SGST। एडजस्ट कर रहा हूँ ना मैं, एडजस्टेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बेटा? IGST। चलो पे कर दो बेटा, ये माइनस है तो बेटा इधर क्या हो जाएगा? प्लस। इधर से हटा के मैं किधर क्या करूँगा बेटा? यहाँ पे माइनस कर दूँगा, माइनस 5,000। यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? 41। यहाँ पे डैश और यहाँ पे बेटा 0, और ये पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब अभी भी गवर्नमेंट को मुझे टैक्स देने का है। गवर्नमेंट को टैक्स देने का है तो बेटा मैं क्या लिखूंगा इधर? GST पेपर। हाँ बोलिए मैम। तो बेटा पहले वाले का माइनस आया था ना आंसर में, और इधर कितना है? मतलब पहले वाले में देखो माइनस में आया था आंसर, मतलब आपका पैसा पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास तो रिसीवेबल होगा। और ये क्या आ रहा है बेटा? पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब 41,000 गवर्नमेंट को आपको देने का है। सर वो वहाँ से बताओ ना, टोटल ITC से 24,000 की है। अच्छा माइनस करो 24, तो सर उसमें माइनस, बेटा 72 में से 24 गया तो कितना बचेगा? तो सर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं माइनस करके। कैसे माइनस? आपने जैसे तो मैंने वैसे किया ना, जैसे स्टेप है तो 48,000 आएगा। अभी 48,000 में से बेटा ओपनिंग बैलेंस माइनस किया मैंने तो 46 आया, इधर कितना है? माइनस 5। तो SGST में पैसा पड़ा हुआ है ना अपना, कितना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है? 5,000। तो 5,000 से क्या मैं IGST पे कर सकता हूँ? पे कर सकते हैं। तो सरप्लस ऑफ SGST एडजस्टेड अगेंस्ट IGST, पैसा लिख देने का, माइनस करके बता देने का। इधर माइनस है तो इधर क्या कर दो? प्लस, और इधर माइनस। इधर क्लियर? वो भी 41,000 गवर्नमेंट को देने का है, देने का है कि नहीं? तो जब मैं रिटर्न फाइल करूँगा ना अगले महीने की, तो बेटा मेरे को 41,000 गवर्नमेंट के 20 तारीख तक खाते में जमा करने का, नहीं तो पेनल्टी लगता है 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पेनल्टी लगता है साल का। बात समझ में आ रहा है? 72 हाँ पॉजिटिव में आ रहा है ना सर। तो बेटा गवर्नमेंट को टैक्स कितना देने का है? 72,000। सुनो बेटा, आपने गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे कर चुके हो अभी तक? 24, और कितना देने का? 48। ऐसे नो, उसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस करोगे तो कितना आ रहा है आपका? 46, और SGST में कितना? माइनस 5,000। बेटा माइनस 5,000 का मतलब है सरप्लस है अपने पास, तो सरप्लस से बेटा क्या मैं IGST का पैसा पे कर सकता हूँ? तो आराम से पे कर सकते हैं। और नोट लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, नहीं तो मार्क्स कटेगा आपका। गुड्स नॉट रिसीव, देयरफोर नो ITC विल बी रिसीव, देयरफोर नो ITC विल बी रिसीव। बेटा आपको ITC नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गुड्स रिसीव नहीं हुआ। गुड्स नॉट रिसीव, देयरफोर नो ITC विल बी रिसीव। Is it clear? So question number 3 and question number 4 is your homework. अच्छा फिफ्थ पॉइंट पढ़ना जरा उसमें। बताओ ITC मिलेगा क्या इसके लिए? जरा देखो। तो बेटा ITC सिर्फ किसको मिलता है? मैंने आपको अभी भी लिखा है। तो अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ परचेस करेगा तो क्या आपको ITC मिलेगा? तो उधर लिख लो नो ITC। अच्छा फोर्थ वाले क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 4-5 पढ़ना, 5 पढ़ो। इंग्लिश क्या लिखे ला? ऐसे ही सेम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कॉपी पेस्ट, और कुछ नहीं आने वाला। बोलो। तो बेटा गुड्स रिसीव हुआ है क्या इसको? भले इनवॉइस मिल गया बट टैक्स इनवॉइस भी रिसीव होना चाहिए, और आपके पास गुड्स भी रिसीव होना चाहिए, तभी जाके ITC मिलेगा। ITC मिलेगा क्या इसको? ये दो क्वेश्चन कर सकते हो ना।
इज इट क्लियर? तो दो आउटवर्ड टैक्स रहेगा, दो इनपुट टैक्स रहेगा, दो आउटवर्ड टैक्स रहेगा, दो इनपुट, और पांचवा आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं पांचवा, पांचवे का नोट लिखने का, ठीक है? इंग्लिश पढ़ने का थोड़ा क्या लिखा है, चलो ये करके लेके आना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक खत्म कर देंगे वाला आईटी से, और भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपसे, मास्टर बना दूंगा मैं। गलती करने का तो मेरे मुंह पे एग्जाम है ना, हिम्मत छोड़ के बाकी पूरा है। अरे किस वक्त का गुस्सा।